जम्मू कश्मीर में गांदरबल के नारा नाग इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगली इलाके में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए तीनों आतंकी विदेशी हैं। काफी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में डाउनटाउन के नवाकदल इलाके में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला हुआ है। ग्रेनेड विस्फोट में सभी सुरक्षित हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमलावर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। बटोटा इलाके में हुए इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमला करने वाले तीन आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव ने पाकिस्तान के आरोपों का करारा जवाब दिया। विदिशा मैत्रा ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी। इमरान खान का भाषण नफरत से भरा हुआ था। पाकिस्तान ने खुलेआम आतंकी ओसामा बिन लादेन का बचाव किया, साथ ही आतंकवाद को भी सही ठहराया। विदिशा मैत्रा ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को पेंशन देता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला मानवाधिकार की बातें कर रहा है। इमरान खान ने यूएन में अपने भाषण में 9/11 हमले को लेकर बड़ा झूठ बोला है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि अमेरिका में हुए 9/11 हमले में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं था। इस्लामोफोबिया की शुरुआत अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद हुई है। इमरान खान ने कहा कि 9/11 से पहले तमिल टाइगर्स ने कई सुसाइड अटैक किए जिसमें हिंदू संगठन शामिल थे, जबकि सच ये है कि उसके लिए कभी हिंदू धर्म को जिम्मेदार माना ही नहीं गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक बार जब जम्मू कश्मीर से कर्फ्यू उठाया जाएगा और लोग घरों से बाहर आएंगे तो वहां खून की नदियां बहेंगी। इमरान ने अपने भाषण में आरएसएस और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद के मुद्दे पर उसे घेरा। यूएनजीए में अपने 16 मिनट और 40 सेकंड के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ बिखरी हुई दुनिया किसी के हित की नहीं है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया यूएन के सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है। हम उस देश के वासी हैं जिसने शांति का संदेश दिया है, जिसने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में पूरे एक पेज का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा छापा गया है। पूरे पन्ने पर सिर्फ भारत विरोधी खबरों को ही जगह दी गई है, जिसमें कहीं भी कश्मीर और एनआरसी के मुद्दे पर भारत का पक्ष पेश नहीं किया गया है। अखबार ने पैसे लेकर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर अनाप शनाप छापा है। एक तरफ पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग यूएन मुख्यालय के बाहर पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे। ढोल नगाड़ों की थाप पर उन्होंने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान और मॉरिशस के नेताओं के साथ बैठक की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की भारतवंशी डेमोक्रेटिक नेता तुलसी गबार्ड से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। तुलसी गबार्ड अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हैं, जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। अमेरिका में इमरान खान के विमान में खराबी आ गई है, जिस वजह से इमरान खान को न्यूयॉर्क में ही रुकना पड़ेगा। सऊदी अरब किंग के विमान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका गए थे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे का ऐलान कल किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अचानक विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार का इस्तीफा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाऊ भागड़े ने स्वीकार कर लिया। अजीत पवार ने इस्तीफा देने की वजह का खुलासा अब तक नहीं किया है।
हरियाणा कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन लगातार जारी है। आज और कल लगातार दो दिन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसके बाद चुने गए नामों को अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। फिर सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। यूपी के सीएम योगी ने कश्मीरी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से लखनऊ में मुलाकात की। सीएम योगी ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि हम यूपी को एक अच्छी दिशा में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं, कल को आपको प्रशासनिक नौकरी के लिए भी यहां आ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश को जानें। बिहार में अगले 72 घंटों में मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग ने बिहार में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी पटना में झमाझम बारिश से कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। नए नाले बनने के बाद भी गंदे नाले का पानी घरों में घुस गया है। डीएम कुमार रवि ने सभी सम्प हाउस खोलने के निर्देश दिए हैं। पटना में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे यहाँ के हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है, नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। नगर निगम ने बारिश को लेकर तमाम दावे किए थे। बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। आम इलाके हूँ या वीआईपी इलाका, हर तरफ पानी जमा है। भारी बारिश के बाद पटना रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं, जिससे ट्रेनों को पटरी पर धीरे धीरे चलाया जा रहा है। ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों की आवाजाही में देरी हो रही है। ट्रेन में देरी से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के नालंदा में भी लगातार हो रही बारिश से एसपी और नगर आयुक्त आवास परिसर समेत शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। खगड़िया के 4 प्रखंड में 130,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। घर में बाढ़ का पानी घुसने के चलते लोग छत और बांध पर रहकर जिंदगी काटने को मजबूर हैं। बिहार के भभुआ में भारी बारिश एक परिवार के लिए तबाही लेकर आई। बारिश के चलते मिट्टी की दीवार गिरने से कई लोग उसके नीचे दब गए। हादसे में एक बुजुर्ग महिला और 12 साल की एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के हाजीपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर झील जैसा दिखने लगा है। निचले इलाकों के साथ साथ शहर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश का पानी भर गया है। मथुरा पहुंची भोपाल शताब्दी ट्रेन एक्सप्रेस में बम होने की खबर के बाद पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई। 20 मिनट तक ट्रेन को स्टेशन पर रोका गया। तलाशी में सुरक्षा वालों को बम जैसा कुछ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के दौरान मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कोलकाता में तर्पण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने हिस्सा लिया। बढ़ती जनसंख्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने बढ़ती आबादी को सेकेंड स्टेज का कैंसर बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि इसे रोका नहीं गया तो ये फोर्थ स्टेज का कैंसर बन जाएगा। बीजेपी के लखनऊ जिला अध्यक्ष ने गोमती नगर के सीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीओ के भूमाफियाओं को सपोर्ट करने के साथ साथ अवैध खनन कराने, जमीन पर कब्जा करवाने और एसपीसीटी पर मुकदमे के निपटारे के लिए 2 से 3 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में रामपुर पंचायत कार्यालय पर कब्जे को लेकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया और बम फेंके। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। अमृतसर रेल हादसे में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि सरकार ने 5 लाख मुआवजा दिया, लेकिन परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी नहीं दी। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सौम्या मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। पूर्व जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव से झड़प और मारपीट के मामले में कार्रवाई की गई है। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजाब के लुधियाना पहुंचे। प्रहलाद मोदी ने पीएम का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन देश को समर्पित करने के बाद मुड़कर परिवार की तरफ नहीं देखा। राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक नेपाली महिला कैदी की मौत हो गई। महिला धोखाधड़ी के आरोप में 10 दिन पहले ही महिला बंदी सुधार गृह लाई गई थी। उत्तराखंड में काशीपुर के गौतम नगर के लोगों ने सड़क पर जल भराव से परेशान होकर अनोखा प्रदर्शन किया। निगम प्रशासन और विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क पर भरे पानी में मछली पकड़कर अपने गुस्से का इजहार किया। खराब सड़क बनाने पर ठेकेदारों पर भी जुर्माना हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कहा है कि खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यूपी के सहारनपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
यूपी के महोबा में लगातार हो रही बारिश की वजह से बरगद का एक पुराना पेड़ मकान पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पॉलीथीन बैग के अंदर एक लावारिस बच्ची मिली। पॉलीथीन के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने जब उसमें दूध मुही बच्ची को देखा तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति ने अज्ञात शव को अपना पिता बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब लापता पिता घर लौटे तो सभी हैरान रह गए। आरोपी जमीन को लेकर पिता को परेशान करता था, जिस वजह से वो घर छोड़कर चले गए। इधर जयपुर एयरपोर्ट पर 44 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा के साथ 2 यात्रियों मोहम्मद शकील और मोहम्मद रफी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दिनार, रियाल, दिरहम और यूरो पकड़े गए हैं, जिसे लेकर ये दोनों दुबई जा रहे थे। यूपी के बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। अवैध शराब की 345 पेटियों को ट्रक में छुपाकर हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीबीआई की एक शाखा में दिन दहाड़े 5 लाख रुपयों की लूट हुई। बैंक के कर्मचारी लंच कर रहे थे, तभी बदमाशों ने बैंक में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बरेली में सरकारी दफ्तर में चल रहे जुए के अड्डे का खुलासा हुआ है, जहां जुआ खेल रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें स्टाफ के लोगों के साथ दवाओं के काले कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल हैं। जयपुर में 400 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी का ये 4th बड़ा मामला है। हरियाणा के भिवानी में अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर लौट रहे डॉक्टर पर 2 बदमाशों ने ईंट से हमला कर दिया। डॉक्टर के सिर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर के सिर में 8 टांके लगाए गए हैं। अयोध्या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिओम श्रीवास्तव को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर में एक गांव में मगरमच्छ देखे जाने के बाद दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। 90 साल की हुई लता मंगेशकर, उड़ीसा के पूरी तट पर रेत की मूर्ति बनाकर लंबी उम्र की दुआ मांगी गई। लता मंगेशकर के साथ वीणा का भी मूर्ति शिल्प बनाया गया था। हैती में 4 लोगों के मारे जाने के बाद सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई जगह भीड़ हिंसक भी हो गई, कई गाड़ियों को आग लगाई गई, बैरिकेड भी तोड़े गए। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर इटली में प्रदर्शन किया गया। 16 साल की स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग की प्रेरणा से इटली के रोम में लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी जागरूकता बढ़ाने वाले बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।